मुझे पता है कुत्ता मुझे काटेगा, मैं उसके ऊपर पानी भी नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई केस कर देगा तो मैं केस लड़ता रहूंगा। ये भी हो चुका है हमारे शर्मा अंकल के अगेंस्ट हो रहा है। कितने बच्चों को ना, तीन चार बच्चों को काट चुका है, काट रहा है, फिर भी आप उसको डंडा नहीं मार सकते। सिर्फ जानवरों को पालते रहो अपना ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए और वो आके मारते रहे तो पाकिस्तानियों को भी बोल दो जाके आ जाओ हमारे ऊपर अटैक करते, ह्यूमैनिटी बनाए रखो। मैं कहूंगा आप इसके अगेंस्ट काम करो और आप गलत काम करो, उल्टा करो, रिवर्स में आओ। हम आए हैं मैक्लोडगंज लोगों से ये पूछने कि अगर हम गली के इन कुत्तों को पिंजरे में डालते हैं, मारते हैं, काटते हैं तो आखिर इसमें क्या गलत है? हैं तो ये जानवर ही, और जानवर के साथ इंसान जो चाहे वो कर सकता है। नहीं एक्चुअली जो आप बोल रहे हो राइट है, क्योंकि अगर स्ट्रीट डॉग अगर ऐसे घूम रहे हैं और बाई चांस किसी को काटा तो उसकी जिम्मेदारी जो है सब अपने पे रहती है, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमारा राइट बनता है कि हम उनको नुकसान पहुंचा दें। अगर स्ट्रीट डॉग को हम नहीं मार सकते तो हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? इनका एक समाधान होना चाहिए, होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनके अगेंस्ट जरूर होना चाहिए। कुछ डॉग्स हो सकते हैं जो जिनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो तो उनको तुम पिंजरे में डाल दो, ऐसे इंसान को डाल लेते, फिर उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं। इंसान और जानवर में कितना फर्क है? अगर आपका रोल रिवर्स कर दिया जाए, आपको पिंजरे में डाल दिया जाए, अब कैसा लगेगा आपको? ये जो है लिविंग बीइंग की तरह ही ट्रीट होना चाहिए, ठीक है ना? मारना काटना एब्सोल्युटली नथिंग, नो। जैसे आप हम किसी एक जगह पे नहीं रह सकते तो वो ऐसे एनिमल्स की नहीं एक जगह पे रह सकते। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है ना धरती, सबको क्रिएचर, सबको इक्वल राइट्स मिले यहाँ पे जो भेजा गया है। मतलब कुत्ता मैं अगर मैं मार के खा रहा हूँ तो चल जाएगा? जो कई जगह पे खाते हैं क्योंकि कुत्ते न्यूसेंस है, उनका स्लॉटर कर दो। कर भी सकते हैं, मतलब कोई अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो रही है और वो बढ़ते जा रहे हैं इतनी क्वांटिटी में कि नुकसान पहुंचा रहे हैं ह्यूमंस को। चाइना नहीं हिंदुस्तान है दोस्त, आप पत कर है ना, ये चाइना नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार हम कुत्तों को पिंजरे में डालेंगे, हम मारेंगे काटेंगे, बेजुबान को मारना नहीं है, बहुत गलत है, मार क्यों दो? तो आपको किसने ये राइट दिया ये सब करने का? जानवर है, जानवर का जो मर्जी कर सकते हैं। वायलेंस तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी हो। नेक्स्ट जन्म में आप कुत्ता बन गए तो? अभी मैं इसको कुत्ते को मारता काटता हूँ, इसमें गलत क्या कर रहा हूँ मैं? आप अपनी ही साइकेट्रिक इलनेस को दिखा रहे हैं। मानसिक रूप से मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो, ये तो गलत है। क्यों? जानवर गलत ही है। अगर देखो दोनों अगर व्यू से व्यू पॉइंट से आप बात करो, एक तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, उससे बात करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करोगे तो उससे अगर सोचोगे तो फिर तो फर्क पड़ेगा। तो फिर हिसाब से तो मुर्गियां खाना भी गलत है? बिल्कुल गलत है, मैं खाती हूँ पर गलत तो है, बहुत बुरा लगता है कई बार मुझे। आप नॉनवेज खाते हो? हाँ, आई ईट। तो फिर नॉनवेज आप खाते हो तो आप मानसिक रूप से बीमार नहीं हो? मैं कुछ भी खाऊं अगर वो लीगली अलाउड है तो मैं खाऊंगा ना। हम जानवरों के साथ ऐसे क्रुएल्टी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी प्राणी है, उनकी जान है, तो हम किसी की भी जान ऐसे तो नहीं ले सकते। कुत्ता, कोई भी, बिल्ली, कोई सभी जानवर। मुर्गी मुर्गी का ये है कि मुर्गी क्योंकि मुर्गी पालन होता है, मुर्गी खाई भी जाती है, तो वो अलग बात है। हम एनिमल कुत्ता का मतलब ये होता है कि हम उसको पालते हैं, हम इसको पाल रहे हैं, हम इसको खा नहीं सकते। तो मुर्गी को भी तो मुर्गी पालन कहते हैं, तो मुर्गी पली तो रही नहीं है, तो उसको पाल तो रहे हो आप। हम भी उसको देखने के लिए भी और खाने के लिए भी, कभी भी चुप। मुझे समझ नहीं आया, तो कुत्ते में ऐसा क्या खास है? कुत्ता स्वर्ग से उतरा है? वो डॉग है, वो इंसान का रूप है अंदर से। कुत्ता इंसान का रूप है और मुर्गियाँ शैतान का है? थोड़ा वीक है लॉजिक। हाँ वीक है, मैं मानती हूँ। चिकन खाते हैं क्या? मैं खाता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ कि पिंजरे में मुर्गियां हैं, हाँ, आप बाहर हैं, हाँ, आप रोल रिवर्स करिए, आपको कैसा लगेगा? जो चीज हमारे लिए बनी हुई है आप वो तो खाएंगे। भगवान ने मुर्गी खाने के लिए बनाई है? भगवान ने नहीं बनाई, तो हमने तो खानी शुरू कर दी। जो भी लाइफ आपके साथ को एग्जिस्ट कर रही है इस प्लैनेट में, यू हैव टू शो काइंडनेस एंड लव एंड कंपैशन। वैसे हिसाब से तो हमें चिकन भी नहीं खाना चाहिए। हाँ मैं तो खाता हूँ। तो अभी तो मुझे लगा जानवरों के प्रति आप इतना संवेदनशील है, भगवान के बनाए हुए जी। आपने देखो क्वेश्चन क्या किया, आप डॉग्स के बारे में पूछ रहे हो तो डॉग्स तक रहो। कुत्ते के अंदर देखना लोग कितना प्यार करते हैं, बच्चे को प्यार नहीं करते हैं ना, कुत्ते को प्यार करते हैं। तो मुर्गी को भी कर लेंगे, कुत्तों को चुम्मा करते हैं और अपने बच्चों को एक बार चुम्मन देते हैं। अगर आप डॉग को प्यार करते हैं तो आप हर इंसान हर जानवर को प्यार कर सकते हैं, आप कोई भी जानवर हो। मुर्गियाँ भी? मुर्गियाँ भी। तो फिर तो ऐसे चिकन भी नहीं खाना चाहिए? चिकन नहीं खाना चाहिए। आप नहीं खाते? नहीं मैं नहीं खाती। आई ईट चिकन। हाँ खाता हूँ, चिकन खाता हूँ। तो कुत्तों को पिंजरे में ना डालें, ना काटें। मुर्गियाँ सौतेली हैं, उन्हें भगवान ने नहीं बनाया। नहीं बात तो सही है, उनका भी राइट्स वही है जो सभी का, कुत्तों का भी है। आपका मानना है पर आप अपने ही विश्वास के विरुद्ध चीजें करते हैं। करते हैं
आई डोंट नो यार, ये तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है। फूड वैल्यूज भी हैं उसके अंदर, इसलिए भी लोग खाते हैं। अगर हम मोटा अनाज खाते हैं, ज्वार बाटा ये सब खाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो अनबैलेंस रहेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। आप नहीं खाते चिकन? मैं तो नहीं खाता, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, वो तो मेरी बॉडी के लिए जरूरी है वो प्रोटीन। प्रोटीन आपको 100 चीजों में मिल जाएगा मेरे भाई, कमाल करते हो। राजमा में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, सोया में प्रोटीन होता है। अरे कहाँ से आ गए जानवरों को मार के खाने वाले? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इन बातों को। मैं एक डॉक्टर हूँ, और स्वस्थ चीजें खाने में जैसा खाइए अन्न, वैसे बनेगा मन। एक बात आपको कहूँ मैं, कि अगर ये मुर्गा बकरा कटे नहीं, सड़क पे जगह नहीं रहेगी। जब मुर्गी के वो बढ़ी जाएगी कम होगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी। अब इनका कहना ये है कि भाई मुर्गे ना खाओ तो सड़क पे मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो तो पैदा ही नहीं करेंगे, फिर बंद कर देंगे ना। अगर डॉग्स कट के बिक्रे होते तो वो भी खाए जाते? वो अब खाते हैं, वो उनका एक अलग धर्म है। जैसे मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ तो मांस मीट जो भी है ना वो नहीं लाउड। किसी को मारना जान से, ये मेरे तो जो बड़े बडेरे हैं पेरेंट्स हैं, वो नहीं लाउड करते। आप नॉन वेज नहीं खाते? नहीं खाता हूँ, लेकिन हम मारते नहीं हैं, हाथों तो कट के ही है। पर आप जब पैसे दे रहे हैं किसी को चिकन वाली दुकान पे, तो वो आपके बिहाफ पे आप वो काट ही रहे हैं। वो तो है, वो तो मैं समझता हूँ। अब हम हिंदू है, अंदर ही अंदर हमें पता है हम पाप कर रहे हैं जब हम कुछ भी नॉनवेज खा रहे हैं। आपको कैसे पता कि भाई मुर्गा ने मुर्गी खाई है कि नहीं खाई है? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जी दया परवान। इनका मतलब है कि जो जिसमें जान है सभी पे दया करो, ये लिखा है ऐसा कुछ? हाँ है, बट हमारे में क्या होता है, एक टाइम पे मतलब हमारे में ना एक रिचुअल है, अमृत छकाना कहते हैं जिसे सिख, उसमें तो उसमें बोला जाता है कि मीट जो है ना वो अलाउड है, बट ओनली झटके का, नॉट फॉर हलाल, और जैसे मोमडन लोग करते हैं। तो एक साइड पे देखो धारणाएं बनी हुई हैं अलग अलग, तो हमारा एक तरफ का वो कहता है कि थोड़ा खा सकते हैं, एक तरफ से कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है। तो फिर तो चिकन भी नहीं खाना चाहिए? नहीं खाते, खाना चाहिए। कुछ जानवर हैं पर्टिकुलर जो अगर खाना कोई चाहता है तो वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो बने ही मेरे हिसाब से। तो क्या उन्हें इस तरह से बनाया गया कि उन्हें दर्द नहीं होता? नहीं, दर्द उन्हें बहुत होता है। लोग कुत्ते प्यार करते हैं तो कुत्ता ये हो, ये लाइक इट, ये एनिमल अच्छा डॉग है वो। एक महीने में एक बार, दो वीक में एक आध बार खा लेते हैं कोई, मगर गलत तो गलत ही है। पोस्ट 40 मेरा प्लान है कि मैं छोड़ दूंगी, गलत तो है। मैं जाता हूँ चिकन लेने तो ये फील होता है मुझे कि नहीं यार गलत है, बट फिर वही अपना आ जाता है ना सेल्फिशनेस। जब मैं लेने जाता हूँ मीट शॉप पे मीट, जब मैं लाइव कटते हुए देखता हूँ उस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा मुझे होता है, बट फिर जब हम नहीं लेने जाते हम खाते हैं, हमें टेस्टी लगता है। बात तो चलो गलत ही है, चलो आपने माना। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो वही है। मेरे ना खाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा। एक जान तो बचेगी, एक मुर्गी की जान बचेगी। देखो दोस्त, चाइना नहीं है, चाइना में बिल्ली बिकती है, चूहा बिकते हैं। ये चाइना नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ हम कुत्तों को सर पे बिठाते हैं, बिल्ली और मुर्गी की जगह पेट में है हमारे। जन क्या बात कर दी आपने, हिंदुस्तान है, यहाँ सारे जीव बराबर हैं। नहीं नहीं सर, भगवान कृष्ण राम की धरती है, अगर वो आ जाए तो आपको क्या लगता है नॉनवेज खाएंगे? नहीं नहीं खाएंगे। फिर हम उनके वंशज हैं, यस है ना, यस। अपने धर्म को निभाइए, यस। राधे 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 राधे।